कोरबा के खरमोरा क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। ऐसा ही कुछ शुक्रवार की दोपहर भी हुआ, जहां विवाद के बीच वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की बातों को सुना। कोरबा के खरमोरा क्षेत्र में इन दिनों जमीन विवाद का मामला काफी बढ़ गया है। रास्ता नहीं मिलने के कारण लोग अब विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। ऐसा ही कुछ शुक्रवार की दोपहर भी हुआ, जहां खरमोरा स्वागत द्वार के पास कई वर्षों से निवासरत लोगों ने मुख्य सड़क पर रास्ता दिए जाने की मांग को लेकर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों का मानना है कि वन विभाग के कुछ अधिकारी उनका रास्ता रोक रहे हैं। जिस रास्ते से वह हमेशा आना जाना करते रहे हैं, उस पर दीवार खड़ी कर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। हंगामा की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लोग नियमों के खिलाफ जाकर वन भूमि से रास्ता की मांग कर रहे हैं, जो कि अनुचित है और वह ऐसा काम नहीं कर सकते। ये जैसे रास्ता मांग रहे हैं कि आने जाने भर का बस रास्ता चाहिए, तो उतने के लिए रिक्वेस्ट कल से हो रहा है। कल मतलब सर बोल दिए थे कि 4 फीट छोड़ के और दीवार उठा लो, और आज फिर पता नहीं क्या हुआ तो आज बोल रहे हैं कि नहीं पूरा पैक होगा तो पूरा पैक कर दीजिए। पैक होने पे आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आएंगी? बहुत दिक्कत आएगा, आने जाने का रास्ता नहीं है। इसमें हमारा सीमा सुरक्षा के तहत बाउंड्री वाल का काम चल रहा है। ये नज़दीक रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वन भूमि से हमको रास्ता दिया जाए, तो ये संभव नहीं है, चूँकि उनके लिए सामने से उनका सीसी रोड में रास्ता खुल रहा है। हम एक एक व्यक्ति को अगर रास्ता देते रहेंगे तो हमारा वन भूमि का नुकसान होगा, इसीलिए आगे आए हुए थे। खरमोरा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हंगामा की स्थिति पिछले लंबे समय से बरकरार है। यहाँ निवासरत लोग जिस रास्ते की मांग कर रहे हैं, वह भी अनुचित नहीं है और वन विभाग की दलील को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि यहाँ के रहवासियों और वन विभाग के अधिकारियों को आपस में बैठकर चर्चा करके कोई ऐसा रास्ता निकाल लेना चाहिए, जिससे यह टकराहट हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कोरबा से पवन तिवारी की रिपोर्ट।